भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है पापा, बहुत ज्यादा भीड़ है, इतना भीड़ है। कहा जाता है पूरी अयोध्या नगरी में हनुमान जी यहीं से बैठकर देख रहे हैं, तो उनसे परमिशन हमें मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं पूरी अयोध्या को एक्सप्लोर करने। टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी है। ऐसे लोग भी घूंघट निकाले हुए हैं जिन्होंने ससुराल में कभी साड़ी तक नहीं पहनी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह के लॉकर्स होते हैं जिसमें आप अपना मोबाइल और पर्स वगैरह सबमिट कर दो। और अब हम जा रहे हैं कनक भवन के लिए। अभी हमारे साथ हो गया स्कैम। तो फाइनली हम लोग आ गए राम की पैड़ी के पास। अब यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी दिख रही है और अब जा रहे हैं फिर से सरयू मैया में स्नान करने। और भैया होने वाली है सरयू मैया की आरती। तो सरयू मैया में स्नान करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अयोध्या नगरी में श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो हमारे साथ दर्शन करिए आप भी अयोध्या नगरी के। तो अभी हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब हम जा रहे हैं हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के लिए। हनुमान गढ़ी हमारे सामने आ चुका है। ये रहा हनुमान गढ़ी। ये आ गए हम लोग हनुमान गढ़ी के चौक पर। हाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। ये देखो भीड़, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है पापा, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो भीड़ को देख के ये डिसाइड हुआ है कि दर्शन करने के लिए खाली हम जवान लोग जाएंगे, बुढ़े लोगों को यहीं पे बिठा देंगे, है ना? हाँ चलो जाके दर्शन करके आते हैं। अरे भैया क्या खतरनाक भीड़ है, नहीं इतना भीड़ है। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा भीड़ है। गढ़ी और अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही भव्य दर्शन हुए हनुमान जी महाराज का। कहा जाता है पूरी अयोध्या नगरी में हनुमान जी यहीं से बैठकर देख रेख करते हैं पूरी अयोध्या नगरी का। ध्यान रख अभी हमने दर्शन किए हनुमान गढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज के और अब हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मतलब कि अब हम घूमेंगे पूरी अयोध्या नगरी को, क्योंकि हनुमान जी से ना सबसे पहले आपको ना परमिशन लेना पड़ता है पूरा अयोध्या घूमने के लिए। तो उनसे परमिशन हमें मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं पूरी अयोध्या को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या को घूमते हैं। तो अभी हम लोग हैं अयोध्या के मेन मार्केट में, जस्ट हनुमान गढ़ी से दर्शन करके आए हैं और अभी शायद तक जा रहे हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए, उसके बाद आगे का दर्शन करेंगे। सो अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और हमारी अम्मा जी के लिए आ गए हैं फिक्स थाली। अम्मा खा रही है खाना। ये सब अंदर कैसा लगा था अम्मा? टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी है। अच्छा तो ये आ गया हमारा खाना।
अब आपको बताते हैं इसका टेस्ट। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, यानी कि राम लला के दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं और करते हैं राम लला जी के दर्शन। धूप बहुत जोरदार लग रहा है, सब लोग घूंघट उंघट निकाल के चल रहे हैं। ऐसे लोग भी घूंघट निकाले हुए हैं जिन्होंने ससुराल में कभी साड़ी तक नहीं पहनी हुई है। जोआ दे हूँ जोआ लाए कुछ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो कि अंदर है। तो चलो चलते हैं दर्शन कर आते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा धूप है। जय श्री राम। अभी हम लोग आ गए एकदम मेन मंदिर के गेट पर, और यहाँ पर आगे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहीं पे हम लोग अपना मोबाइल वगैरह सबमिट कर देंगे और मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। यह है राम मंदिर के अंदर का हाल। भीड़ है हर मंदिर में यहाँ के, मतलब अयोध्या के। अभी तक हमने दो मंदिर किए, हनुमानगढ़ी और अभी ये सेकेंड वाला राम मंदिर है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब अतिशय लेवल की भीड़ है। तो यहाँ पे इस तरह के लॉकर्स होते हैं जिसमें आप अपना मोबाइल और पर्स वगैरह सबमिट कर दो और उसके बाद दर्शन करने के लिए जाओ। अभी हमारा जन्मभूमि दर्शन कंप्लीट हो गया और अब हम जा रहे हैं कनक भवन के लिए। और जन्मभूमि में बहुत ही बढ़िया सा दर्शन हुआ। रामलला के दर्शन तो हमने कर लिए। भाई साहब यहाँ पे ना चलने का मतलब बहुत ही ज़्यादा है, इतना मतलब चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है ना कि टाटिए भांग जाए। आप आ चुकी हो तू? चलने का ना बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा है, और गर्मी भी बहुत ज़ोरदार की है। पर जो मंदिर बना है वो बहुत ही भव्य, एकदम ज़ोरदार वाला मंदिर है। दर्शन करके ना एकदम मज़ा आ गया राम लला के। और अभी हम लोग जा रहे हैं कनक भवन। कनक भवन मतलब जहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता जी का वास माना जाता है। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि कई माता ने वो श्री राम और सीता मैया को मुँह दिखाई में दिया था, सीता मैया को उनकी शादी के बाद। तो चलो अभी तो कनक भवन में जाके दर्शन करेंगे युगल सरकार के। अभी हमारे साथ हो गया स्कैम। हमने जो रिक्शा वाला बुक किया था उसको बोला था कि हमको कनक भवन और दशरथ महल घुमा दो, और उसको एक्चुअल में खुद को पता नहीं था। इसने हमें यहाँ पे जानकी मंदिर में लाके छोड़ दिया, तो हमने भी इसको कैंसिल कर दिया। अभी टाइम भी बहुत कम है, तो हम सीधा जा रहे हैं राम की पैड़ी पर स्नान करने और उसके बाद सरयू मैया की आरती देखने। फाइनली हम लोग आ गए राम की पैड़ी के पास। अब यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी दिख रही है। तो फाइनली हम पूरा अयोध्या धाम घूम चुके हैं और अब जा रहे हैं फिर से सरयू मैया में स्नान करने, ताकि हमारी थकान पूरी दूर हो जाए। तो अभी हम लोग दूसरी बार नहा धो के रेडी होके सरयू मैया के घाट पर बैठ गए, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा सनसेट हो रहा है। और भैया होने वाली है सरयू मैया की आरती, तो जय करेंगे साथ में सरयू मैया की आरती को।
सो फाइनली अभी यहाँ पे होने वाली है सरयू मैया की आरती। और क्या एटमोसफियर बन रहा है, मतलब एकदम स्पिरिचुअल वाला, एकदम मतलब एकदम पीस फील हो रहा है, बहुत ही जोरदार वाला एकदम माहौल बन रखा है यहाँ पे। सो फाइनली ये था हमारा अयोध्या का फुल टू व्लॉग विथ माय फैमिली, मतलब ये फर्स्ट ट्रिप था हमारी फैमिली के साथ, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा खुल नहीं पाए हैं क्योंकि परिवार था। ठीक है, तो अभी तो हम लोग निकल रहे हैं अपने गांव यानी कि भदौरे के लिए, तो चलो चलते हैं। एक दो घंटा लगेगा और भूसा जैसा भरना पड़ेगा इस गाड़ी में अभी हमको। और ये है अयोध्या का नाइट व्यू, मतलब घाट का नाइट व्यू। यहाँ पे ये जस्ट घाट जहाँ पे अभी आरती हो रही थी ना, वो यहाँ के मतलब इसी वाले घाट के कंटिन्यूस पे वहाँ पे आगे वाला घाट है। सो ये था हमारा पूरा अयोध्या तक का व्लॉग। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।